हेलो दोस्तों, अगर आपके चैनल पर रीयूज्ड कंटेंट आ चुका है और आप ये सोच रहे हैं कि मैं उस वीडियो को डिलीट ना करूं जिस वीडियो से सबसे ज्यादा वॉच टाइम मिला है, जबकि आपको पता है कि उस वीडियो से ही रीयूज्ड कंटेंट आया है, तो आपको क्या करना चाहिए, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और आपको ये भी बताऊंगा कि रीयूज्ड हटाने के बाद चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, वॉच टाइम भी कम नहीं होगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे, अपने दोस्तों के पास शेयर करोगे और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लो, नहीं तो भूल जाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको बता दूं कि रीयूज्ड कंटेंट भी आता है जब आपके चैनल पर किसी दूसरे की वीडियो आपने यूज कर रखी है। लेकिन आपको कुछ बातें बता रहा हूं, कुछ पॉइंट में, इन पॉइंट को ध्यान में रखना। नंबर एक, कि आप ऐसी वीडियो डिलीट करना पड़ेगा आपको जिस वीडियो पर आपकी आवाज नहीं है। यहां पर आवाज से मतलब यह है कि आपकी ओरिजिनल वॉइस ना हो, मतलब आपने वॉइस डाल रखी जो कि कंप्यूटर से बनाकर वॉइस कर रही है, वॉइस चेंजर से, वो वॉइस काउंट नहीं होगा, वो वॉइस बेकार है, यूट्यूब पॉलिसी के खिलाफ है, राइट। दूसरा काम, आपके चैनल पर कोई भी टीवी शो नहीं होना चाहिए, किसी भी टीवी सीरियल नहीं होने चाहिए, ना ही किसी मूवी का शो होना चाहिए। पॉइंट दो। पॉइंट नंबर तीन, आपने अगर अपने चैनल पर डिस्क्रिप्शन टैग और टाइटल में अच्छे से काम नहीं कर रखा, अच्छे से मतलब क्या होता है, अच्छे से मतलब ये होता है आप अपने वीडियो के बारे में अपने डिस्क्रिप्शन में बताइए, अपने सोशल मीडिया या फिर आपकी कोई वेबसाइट है उस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डालिए और आप टैग में उस वीडियो से रिलेटेड कीवर्ड डालिए। मैंने बहुत से लोगों के डिस्क्रिप्शन को चेक किया है, जिसके डिस्क्रिप्शन में मतलब कि 100-150 से ज़्यादा हैज टैग लगा रखा होते हैं, जबकि वो खराब है, वो बेकार है, ऐसा नहीं करना। अगर ऐसा करोगे तो चैनल टर्मिनेट हो जाएगा, डिलीट कर देगा यूट्यूब, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर पांच, जो कि आपको बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको कोई बताने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट से ही तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। कैसे? अब आपको यहां पर मैं समझाना चाहता हूं। यहां पर मैंने कुछ ओपन कर रखा है जो कि मैं देखकर आपको बताता हूं। अभी यहां पर लिखा है कि द सम थंबनेल क्रिएट ए न्यू यूनिक। आपको अपने चैनल पर थंबनेल यूनिक बनाना है। यूनिक बनाओगे तो व्यूज भी अच्छे आएंगे, रीयूज भी नहीं आएगा। लेकिन लास्ट पॉइंट इज कि आपके चैनल से रीयूज कंटेंट हट जाए और आपके चैनल पर वॉच टाइम भी कम ना हो, तो उसके लिए आपको क्या काम करना है मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आपको अपने चैनल पर जाना है, अपने चैनल पर यह देखना है कि आपकी पर्सनल वीडियो कितनी है। अगर आपकी पर्सनल वीडियो 30 से ज्यादा है तो आपको यह काम करना जो मैं बता रहा हूं, 30 वीडियो आप अपनी बना लेना, 1 मिनट से ज्यादा की होनी चाहिए, जिसमें आपकी आवाज हो, आपका फेस हो, या फिर आपने एफर्ट किया हो कुछ, चाहे फेस हो या आवाज हो, दोनों में से एक चीज होना चाहिए, ये उस पर अप्लाई होगा, ठीक है। 30 वीडियो आपके चैनल पर हो गई, अब आपने 30 वीडियो बना दिया है, उसके बाद अब आप अपने चैनल से 10-15 वीडियो को डिलीट कर दीजिए जिस पर रीयूज्ड कंटेंट है, ठीक है। 10-15 वीडियो को डिलीट करना, लेकिन उस वीडियो को डिलीट मत करना जिस वीडियो पर रीयूज्ड कंटेंट आया हुआ है। और इसके बाद वीडियो आप 2-4 और बनाते रहिए, और बनाते जाइए, 2-3 दिन तक और वीडियो बनाइए, अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर डालते रहिए, टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन सब कुछ अच्छे से लिख लेना, ये चीज जो बता रहा हूं, डालते रहिए। उसके बाद आपको एक दिन ऐसा आएगा ना जिस दिन आपका रीअप्लाई का ऑप्शन ऑन हो जाएगा, उस रीअप्लाई वाले ऑप्शन पर ऑन होने के 4-5 दिन पहले अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर डालते रहना। अब आपका रीअप्लाई का ऑप्शन ऑन हो चुका है, वीडियो आपके चैनल पर 2 बची है जिस पर रीयूज्ड कंटेंट है और सबसे ज्यादा व्यूज है। इस पर आपको काम क्या करना है मैं बताता हूं। इस पर काम यह करना है कि आपको अपने चैनल पर रात के या दिन के 2 बजे के बाद, खासतौर पर दिन के 2 बजे के बाद आपको अप्लाई करना है मोनेटाइजेशन के लिए। लेकिन अप्लाई करने से पहले एक वीडियो आपको इंट्रो की बनानी है। इंट्रो वीडियो में आपको ये बताना है कि ये वीडियो मेरी है, इस चैनल पर सारा काम मैं खुद करता हूँ, इस चैनल पर इस कैटेगरी की वीडियो आती है, इस चैनल का कोई भी मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है और हम इंटरटेन पर्पज के लिए या एजुकेशन पर्पज के लिए या फिर ब्लॉगिंग पर्पज के लिए इस वीडियो को बनाते हैं। ये चीजें आपको बतानी है 5 मिनट के अंदर अंदर, ये वीडियो आपको एक क्रिएट करना है। उसमें अगर आपका म्यूजिक का चैनल है तो म्यूजिक का पूरा इंस्ट्रूमेंट दिखा देना है, कोई सिंगर है डीजे का है तो सिंगर को भी दिखा देना, गाना गाते हुए दिखा देना, और ये सारी चीजें आपको कर लेना। ये सारी कर ली, लास्ट वीडियो मोनेटाइजेशन के अप्लाई होने के पहले एक वीडियो आपको डालनी है, जो लास्ट होगी आपकी वीडियो, मतलब रीअप्लाई करने के पहले एक वीडियो डालनी है, वो वाली जिस पर इंट्रो की वीडियो बनाना है आपको, राइट। इंट्रो
इंट्रो की वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया आपने और उसके बाद आपने रीअप्लाई पर क्लिक कर दिया। रीअप्लाई करने के बाद आप उन दो वीडियो को डिलीट कर देना जिस वीडियो में रीयूज्ड कंटेंट है, सबसे ज्यादा व्यूज है। आपको बता दूं, जब आप ये काम कर लोगे उसके बाद आपका चैनल रॉकेट की तरह जाएगा यूट्यूब के पास और उधर से रॉकेट की तरह वापस आकर मोनेटाइज हो जाएगा और सुबह सुबह लिखकर आ जाएगा कि मुबारक हो, आपने आपका चैनल मोनेटाइज करवा लिया है और आपने टेक्निकल प्रभाकर से वीडियो देखकर अपने चैनल को मोनेटाइज करवा लिया है। और उसके बाद जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए ना, तब हमें कमेंट करना और इंस्टा पर मैसेज भी कर सकते हैं, सर आपने बताया था चैनल मोनेटाइज हो गया फिर भी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे यहां से चेक करवाना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि सर एक बार देख लीजिए या फिर आप हमारे मेंबरशिप बनना चाहते हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। इंस्टाग्राम पर हम आपसे बातें करेंगे और आपसे प्रॉपर डिटेल में जानकारी देंगे, आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी सॉल्व करेंगे। हाँ, सम अमाउंट आपको पे करना पड़ सकता है जो कि हम आपको बताते हैं, तो उसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आपका चैनल जब मोनेटाइज हो जाता है ना, आप पैसे कमाने लगते हो ना, तो पैसे खर्च करने में दिक्कत नहीं होती है, तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। जो चीजें बताई है ये आप कर लेना, इसके बाद आपको कुछ करने की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। इन केस फिर भी अगर आपको कोई चीज जरूरत पड़ती है तो मैं बैठा हुआ हूं यहां पर, हमारी टीम बैठी हुई है आपसे बातें करने के लिए और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।